हेलो फ्रेंड्स, आजकल तो सभी घरों में आपके स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं जिसे हम लोग कॉलिंग के लिए, इंटरनेट, गेमिंग आदि के लिए यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, आजकल तो नेटवर्क प्रोवाइडर ऐसे प्लान प्रोवाइड कराते हैं जिसमें कि आपका डाटा प्लान होता ही होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि आप कोई सा भी ले लीजिए, आपको 1.5 GB डाटा पर डे या मंथ में 2 GB डाटा पर डे, अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री, इस तरह के आपका प्लान आपको मिलते ही मिलते हैं। कोई सा भी रिचार्ज करा लीजिए, कॉलिंग के साथ आपको डाटा प्लान मिलता ही मिलता है। और फ्रेंड्स, ज़रूरत ना पड़ने पे भी हम लोग अपने फ़ोन में इंटरनेट चलाते हैं क्योंकि इंटरनेट फ्री है, उसे यूज़ कर तो करना ही करना है। और फ्रेंड्स, मोबाइल फ़ोन को तो घर में हर कोई यूज़ करता है, फैमिली भी यूज़ करती हैं, बच्चे भी यूज़ करते हैं और हम लोग खुद भी यूज़ करते हैं। फ्रेंड, जब आप इंटरनेट यूज़ करते होंगे तो आप लोग ये नोटिस ज़रूर करते होंगे कि आप जो भी कुछ सर्च करते हैं कहीं ना कहीं आपको छोटे टाइप में या किसी तरीके से आपको अडल्ट कंटेंट जो होते हैं वो देखने को मिल ही जाते हैं। कोई सी भी आप लोग वेबसाइट सर्च कर लीजिए इंटरनेट पे, आपको कहीं ना कहीं आपको कोई अडल्ट कंटेंट देखने को मिल ही जाता है। और फ्रेंड्स, अगर वही कंटेंट आपकी फैमिली के सामने हो जाए कभी कभार, तो फ्रेंड्स आप लोगों को भी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब कि जो आप कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ आप देखते हैं इस तरीके, तो आपका भी माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और वही चीज़ अगर आपकी फैमिली के सामने अगर ओपन हो जाए तो आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचेगी, ये मतलब कि फ़ोन यूज़ कर रहा है कि किस तरीके के क्या कंटेंट को देखता रहता है। और फ्रेंड्स, उनके दिमाग में आपके लिए नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, आपकी इमेज डाउन हो जाएगी। और फ्रेंड्स, मैं बात करूँ बच्चों की, तो लॉकडाउन के बाद लगभग सभी बच्चों की जो क्लासेस हो रही हैं वो आपकी ऑनलाइन हो रही हैं। और फ्रेंड्स, अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो उनको होमवर्क भी दिए जाते हैं और उस होमवर्क को पूरा करने के लिए वो लोग गूगल पे सर्चेस करते हैं। जब सर्च करते हैं तो फ्रेंड्स, आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप कुछ भी जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एडल्ट कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, जब वो चीज़ अगर बच्चे देखते हैं तो वो ज़्यादा उस पर अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि जो बच्चों का जो माइंड होता है वो ग्रोइंग को होता है। तो फ्रेंड्स, एक बात ये भी लॉजिक है, बच्चा जितनी जल्दी अच्छी चीज़ें नहीं सीखता उतनी जल्दी बुरी चीज़ें सीखता है। तो फ्रेंड्स, इसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उस चीज़ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसे ओपन करके देखते हैं। और फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो बच्चों का माइंड होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है पढ़ाई से, उनके दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं राकेश नौपाल आज की वीडियो में आप लोगों को इसी चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा। आप लोगों को मैं कुछ ऐसी सेटिंग्स करके बताऊंगा जिससे कि आप लोग इस तरीके की परेशानी से बच सकते हैं। मतलब कि जो भी आपके कुछ भी आप सर्चेस करेंगे तो आपका 0% एडल्ट कंटेंट आएंगे। अगर फ्रेंड्स, आप लोगों के फ़ोन में कोई जानबूझ के भी सर्च करता है कंटेंट को तो उस तरह का कंटेंट आपको ओपन ही नहीं होंगे जो मैं सेटिंग बताऊंगा अगर वो आप लोग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे और उस सेटिंग के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, उस सेटिंग को मैं करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वो सेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें गूगल क्रोम पे जाना होगा। तो हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। फ्रेंड्स, गूगल क्रोम जैसे ही ओपन हो जाता है इसे सबसे पहले डेस्कटॉप मोड पे लेके चले जाइए ताकि जो इसकी साइट्स हैं या वेबसाइट्स हैं वो पूरी तरीके से आपकी ओपन हो जाए आपके फ़ोन में एज ए डेस्कटॉप की तरह। तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ आप देखेंगे 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे, उसका डेस्कटॉप साइट के आगे इस तरह से बॉक्स में टिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ सर्च करके दिखा देता हूँ जो कि आपका एडल्ट कंटेंट शो हो जाएंगे और फ्रेंड्स वो सेटिंग के बाद शो नहीं होंगे। तो लाइक दैट मैं इसमें सर्च करके दिखा कर देता हूँ इस तरीके से। इसमें काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स हैं फ्रेंड्स वो काफ़ी अनवांटेड हैं जो कि हमें ओपन नहीं करना चाहिए। अब मैं फ्रेंड्स सेटिंग करके दिखा देता हूँ कि उस सेटिंग को करने के बाद अगर आपके फ़ोन में कोई जानबूझ के भी सर्च करता है तो साइट्स ओपन नहीं होंगी या वो कंटेंट शो होंगे ही नहीं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी सर्च कर दीजिए जैसे कि AAA। उसके बाद फ्रेंड्स जूम करके देखेंगे, आपका जो सर्च बॉक्स है उसके नीचे आपके काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे होंगे जैसे ऑल, बुक्स, वीडियोस, न्यूज़, मैप्स, और उसके साइड में आपका सेटिंग आ रहा होगा। इस सेटिंग्स पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जो पहला ऑप्शन होगा सर्च सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, उसका जो आपका सबसे पहला ऑप्शन आ रहा होगा सेव सर्च फिल्टर्स, इसमें आप नीचे की तरफ थोड़ा सा जूम करके देखेंगे यहाँ पे, तो इस पे लिखा हुआ है टर्न ऑन सेव सर्च, इस पे हम क्लिक करेंगे। और थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी है फ्रेंड, जैसे कि आपका टर्निंग ऑन सेव सर्च हेल्प्स हाइड एक्सप्लॉइट्स कंटेंट लाइक पोर्नोग्राफी, सेव सर्च प्रेफरेंसेस मे बी सेट बाय योर डिवाइस और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इफ़ यू कांट टर्न इट ऑफ चेक विद एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ योर नेटवर्क और डिवाइस। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब इसे आप ऑन कर लेंगे सेटिंग को तो किसी भी तरीके का अनवांटेड या कोई भी आपका एडल्ट कंटेंट है वो आपका ओपन नहीं होगा आपके ब्राउज़र में।
तो फ्रेंड्स इस पर टिक करने के बाद टर्न ऑन सेव सर्च पे आपको नीचे की तरफ जाना होगा, स्क्रॉल करके यहाँ पर आ रहा होगा सेव, इस पर क्लिक करना होगा, फिर ओके करेंगे। और फ्रेंड्स उसके बाद आप कुछ भी सर्च करके देखिए, आपका किसी भी प्रकार का कोई भी एडल्ट कंटेंट ओपन नहीं होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी पहली ट्रिक जो कि आपका गूगल में सेटिंग कर सकते हैं। अब मैं सेकंड आपका बताऊंगा यूट्यूब में, क्योंकि फ्रेंड्स यूट्यूब में भी काफ़ी सारी वीडियोस हम सर्च करके देखते हैं, और जो हमारे घर में जो बच्चे होते हैं वो भी काफ़ी सारी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, लेकिन हम उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें सर्च हो जाती हैं, जब सर्च करते हैं तो उसमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें कंटेंट शो हो जाते हैं जो कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारी फैमिली में या किसी बच्चे के सामने उस तरह का कंटेंट ओपन हो। तो फ्रेंड्स उसमें भी इस तरह की सेटिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूट्यूब पर जाना होगा। तो हम यहाँ से बैक करके फ़ोन के यूट्यूब में जाएंगे, उसके बाद ऊपर की तरफ कॉर्नर में देखेंगे प्रोफाइल पे, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग पे जाने के बाद हम जाएंगे जनरल पे, जनरल में जाने के बाद आपका स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे सेकंड लास्ट ऑप्शन है आपका रेस्ट्रिक्टेड मोड, दिस हेल्प्स हाइड पोटेंशियली मैच्योर वीडियोज, नो फिल्टर, 100% एक्यूरेट, दिस सेटिंग ओनली अप्लाइज टू द ऐप ऑन दिस डिवाइस। तो फ्रेंड्स इस सेटिंग को हम ऑन कर देंगे, जब इस सेटिंग को आप लोग ऑन कर देंगे तो फ्रेंड्स आपका यूट्यूब में किसी भी प्रकार का एडल्ट कंटेंट शो नहीं होगा, किसी भी तरीके का। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी दो मेजर सेटिंग जिनको करने के बाद किसी भी प्रकार के अनवांटेड और किसी भी प्रकार के एडल्ट कंटेंट या कोई भी फोटोग्राफ या फोटोज़ आपकी शो नहीं होंगी आपके ब्राउज़र पे। तो इससे फ्रेंड्स आप सेफ सर्च कर सकते हैं, सेफ ब्राउजिंग कर सकते हैं अपने फ़ोन में किसी भी फैमिली मेम्बर्स के सामने, या फ़ोन किसी बच्चे को भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन सेटिंग्स को आप लोग अपने फ़ोन में भी करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये सेटिंग्स आप लोगों को कैसी लगी। तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली और कलीग्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी स्टेप आपको क्लियर नहीं हो पाया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स आप लोग हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर और व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके प्रेस जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो या इसके अलावा और भी हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले और आप लोग वो वीडियो सबसे पहले देख पाएं और इसी तरह की नॉलेज गेन करते रहें। और तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।